कैप्टन सिद्धू के बीच चाय पर हुई मुलाकात। पुरानी बातों को भूलकर क्या बनेगी बात, जानिए कैसे हैं पंजाब के हालात। नमस्कार, मैं हूं दिवांशी बोइत्रा। चाय बड़ी काम की चीज है। शादी पक्की करनी हो तो चाय पर चर्चा, किसी को मनाना हो तो चाय पर चर्चा। पीएम मोदी ने भी चाय की अहमियत को समझते हुए की थी चाय पर चर्चा। और अब नाराज सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच हुई चाय पर चर्चा। कह सकते हैं कि ये चाय रिश्तों को मधुर बनाने का एक अचूक हथियार। लेकिन हम चाय पर नहीं, पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच हुई मीटिंग पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है जब पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच कुछ ठीक नहीं था। बात करना तो दूर, दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। सिद्धू को रैलियों में बुलाना बंद कर दिया था। सिद्धू से कैप्टन साहब ने मंत्रालय भी छीन लिया था। तब सिद्धू ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। तब उनकी ना तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सुन रहा था और ना ही पंजाब में उनकी कोई मान रहा था। लेकिन लगता है कि अब सिद्धू का वक्त बदलने वाला, क्योंकि खबर है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की नाराजगी को खत्म करके उन्हें मनाने के लिए अपने घर चाय पर बुलाया। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे थे। माना जा रहा था कि सिद्धू की दोबारा से अमरिंदर कैबिनेट में वापसी हो सकती, लेकिन सूत्रों के मुताबिक करीब 40 मिनट तक चली ये मुलाकात बेनतीजा रही। सिद्धू बिना मीडिया से मुखातिब हुए वहां से चले गए। इस मुलाकात के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या जल्द ही अगर सिद्धू मान गए तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर हुई 40 मिनट की इस मुलाकात के दौरान दोनों ने साथ में तस्वीर भी खिंचवाई और ये बताने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सिद्धू ने इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई। क्या सिद्धू अभी भी नाराज है? सिद्धू ने ट्वीट में लिखा, आजाद रहो विचारों से लेकिन बंधे रहो संस्कारों से, ताकि आस और विश्वास रहे किरदारों पे। इस ट्वीट को सिद्धू की कैप्टन के साथ हुई मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सिद्धू और कैप्टन के बीच तनातनी तब ज्यादा बढ़ गई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग वापस ले लिया गया था। तब उन्होंने 2019 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तब से दोनों नेताओं के बीच संबंध ठीक नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के बड़े चेहरे, बड़ी बात यह है कि सिद्धू का बोलने का तरीका लोगों को पसंद आता है। इसीलिए कांग्रेस सिद्धू को ज्यादा नाराज करके मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। इसीलिए कैप्टन और सिद्धू की इस मुलाकात को संबंध सुधारने की दिशा में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी सिद्धू को मनाने की कोशिश में जुटा। पंजाब मामलों के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत उन्हें अहम पद देने पर दबाव बना रहे। खबर ये भी है कि सिद्धू दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिले थे। वैसे पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की भी चर्चा चल रही। इसीलिए कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो सिद्धू कभी कैप्टन की आंखों में खटकते थे, आज वही सिद्धू कैप्टन के पास बैठकर चाय पी रहे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।